नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों जल्दी से लाइव हो जाओ, शाम के 7:15 बजे हमारी क्लास का टाइम हो गया। दोस्तों आज हम करने वाले मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए। दोस्तों आज गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट सारे क्वेश्चनों का सही जवाब देते हैं। दोस्तों आप अंत में आपको स्कोर भी बताना है आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। दोस्तों बिना देर के आज के सेशन की शुरुआत करने वाले, इससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि सभी एक बार सभी ग्रुपों में फेसबुक या व्हाट्सएप है उनमें शेयर करके आओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस लाइव सेशन का फ़ायदा उठा सके। और जो भाई चैनल पे नए हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑन कर लो ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए और शुरुआत से क्लास ज्वाइन कर सको। 7:00 बजे रोजाना शाम को क्लास होती है। दोस्तों आज मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए जो बार बार एग्जाम में पूछे गए। दोस्तों तो जिनका 26 अप्रैल को पेपर है दोस्तों वो रोजाना क्लास दिया करो, आपको काफ़ी सारा फायदा मिलेगा। और जो हमारी ई बुक है वो भी आपको दे देंगे एग्जाम से लगभग 1 अप्रैल को, आपको वो ई बुक भी दे देंगे लगभग। मैं बता दूंगा आपको कब देंगे, रेगुलर क्लास लेते रहिए, आपको ई बुक भी मिल जाएगी। जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए उनका मैं PDF फॉर्मेट में आपको दे दूंगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास बिना देरी के शुरू करने वाली है। जल्दी से एक बार क्लास को सभी स्टूडेंट एक साथ मिलकर लाइक कर दीजिए ताकि हम आज के सेशन का शुरुआत कर सके। चलिए दोस्तों सबको जय हिंद, राम राम, राधे राधे। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं और आपको जल्दी से लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका जवाब सही दे पाते। क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, एक चुनाव में ए और ब ने मिलकर कितने, मतलब ए ब और स तीन मतलब व्यक्ति है उन्होंने मिलकर कितने वोट प्राप्त किए। दोस्तों 2000 वोट प्राप्त किए। आगे दे रखा है यदि ए और स ने मिलकर कितना वोट प्राप्त किया, दोस्तों 1500 वोट किया प्राप्त किया, ठीक है। आगे दे रखा है ब और स ने मिलकर वोट कितने प्राप्त किए, 800 वोट प्राप्त करे। तो दोस्तों आपको बताना है स द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या बताओ, यानी स ने कितने वोट प्राप्त किए दोस्तों वो आपको बताना है। तो पहले आपको क्या दिया, चलो मैं करके बता देता हूँ एक बार, आप भी करके लाइव चैट में जल्दी से जल्दी जवाब दो। तो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों ए ब और स तीनों ने मिलकर, चलो मैं लिख देता हूँ ए प्लस ब प्लस स कितना दे रखा है दोस्तों आपको, दे रखा है 2000 वोट। कितना दिया दोस्तों, 2000 वोट दे दिया। कितना वोट दिया आपको, 2000 वोट दिया। अब आगे दो नंबर में क्या दिया है, आगे दिया है ए और स ने मिलकर, आगे दोस्तों क्या दिया है ए और स ने मिलकर, यहाँ क्या दिया दोस्तों ए और स ने मिलकर कितने वोट प्राप्त किए, 1500 वोट प्राप्त किए, लिख लिया हमने। आगे क्या दिया दोस्तों, आगे दिया है ब और स ने मिलकर, आगे क्या दिया दोस्तों ब और स ने मिलकर कितने वोट प्राप्त किए, ब और स ने मिलकर वोट प्राप्त किए 800। कितने वोट प्राप्त किए, 800। अब बात आ जाती है ये आपका क्वेश्चन की लैंग्वेज ये दे रखी है। अब आपको पता है यदि आपको स ज्ञात करना है, आपको दोस्तों क्या ज्ञात करना है, स ज्ञात करना है, तो आपको दिखाई दे रहा है हमें यदि हम ये वाला और ये वाला जोड़ के, यानी हम बात करिए ये मान लेते हैं एक नंबर समीकरण पहले, ये दो नंबर और ये कितनी, तीन नंबर। यदि हम दो नंबर और तीन नंबर को जोड़ के एक नंबर वाली घटाएंगे दोस्तों, तो आपको पता है एक दो और तीन को जोड़ेंगे तो आपके पास सह डबल हो रहे हैं, सह डबल हो रहे हैं। और एक नंबर वाली घटाओगे तो एक सह कट जाएगा, एक सह बच जाएगा, यानी आपका सह का जवाब आ जाएगा। यानी हम कहें तो दो नंबर और तीन नंबर को जोड़ेंगे, दो नंबर और तीन नंबर को जोड़ेंगे फिर एक नंबर घटाएंगे तो आपका ए से ए कटेगा और ब से ब कटेगा और एक सह से एक सह कट जाएगा। इसका मतलब आपको क्या सीखा दोस्तों, आपका एक सह का जवाब आ जाएगा। कितना आएगा, सह का जवाब आएगा आपको, पहले इनको जोड़ो कितना हुआ, 1500 और 800 हो गया दोस्तों 2300। 2300 में से 2000 घटा दो यानी आपका वोट आया 300। ये दोस्तों किसका वोट आ गया है, ये वोट आ गया आपका स का वोट। स ने कितने वोट प्राप्त किए दोस्तों, 300 वोट प्राप्त किए, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, बिल्कुल सही जवाब। स मतलब कितना होगा, स का 300 वोट आएगा। अब आपको और भी कोई ज्ञात करने का कहे ए या ब का, तो आप देखो ए प्लस स दे रखा है, मतलब ब प्लस स दे रखा है, दो नंबर और तीन नंबर के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हो। यदि आपका ए का ज्ञात करना है तो ए का बात करिए दोस्तों, तो आपको पता है ए और स का योग कितना है, 1500 में से 300 घटा दो कितना बचेगा, 1200। कितना बचेगा दोस्तों, 1200 ए का इतना आएगा। और यदि हम बात करें ब का, ब का भी दोस्तों आपको ज्ञात करना, तो ब का मतलब ब और स का योग 800 है, 800 में से ये 300 घटा दो 500, कितना आएगा, ब का आएगा 500। तो इस तरह से आपने सारे ए ब स तीनों का वोट प्राप्त कर लिए। अब आपको किसका ज्ञात करना था, स का ज्ञात करना था, इसका मतलब स का जवाब कितना है, 300 वोट आए, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों एक बार लाइव चैट में जवाब दो, क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बिना देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों दो आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का भी सभी स्टूडेंट लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेंगे। यदि एक शहर की जनसंख्या 4% वार्षिक दर से बढ़ रही है तथा उसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है 17,576 है, तो 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। इस तरह का दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आए, पहले बात आपको वर्तमान की कितनी दिया 17,576 दिया दोस्तों, कितना दिया 17,576 दे दिया। अब आपको यदि जाना हो आगे, यानी आगे की जनसंख्या जाना हो, इसका मतलब 100 बट्टे में लिखना है और जो कमी या वृद्धि वाला होता है वो ऊपर लिखा जाता है, हमेशा ध्यान रखना। और पीछे जाना हो तो 100 हमेशा ऊपर लिखना है दोस्तों, 100 हमेशा ऊपर लिखना। आपको कितने वर्ष पूर्व की पूछे, 3 वर्ष पूर्व, इसका मतलब 4% वृद्धि है, 4% वृद्धि है, इसका मतलब 100 में 4 बटा कितना दोस्तों 104। ये कितनी बार लिखना है दोस्तों, वर्ष जितना समय होता है उतनी बार लिखा जाता है, 100 बटे 104। फिर एक बार और लिख दो 100 बटे 104, ठीक है 100 बटे 104, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। यदि आपको कहता 2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद तब तो लिखते 104 वाला ऊपर और 100 वाला नीचे, और पीछे जाना हो तो इसका मतलब आपको 100 ऊपर लिखना है और बाकी क्या लिखना है दोस्तों, नीचे लिखना है जो कमी या वृद्धि करता है जो भी। तो इस तरह से आप इसको काट पीट करके हल कर सकते हो, आप 4 से काट सकते हो, पहले इनको काट करके मैं बता देता हूँ, 4 से काट दो 25 बार कटा, और ये भी 4 से 25 बार, और ये भी 4 से 25 बार, और नीचे कटेगा 26 26 बार, कितनी बार दोस्तों 26, और ये भी 26, 104 है वो, 5 से 4 से काटना आपको कितनी बार 26 26 बार कटेगा। तो आप इसको दोस्तों हल करोगे, आप गुणा भाग करके हल करोगे तो आपको पता है 17,576 तो इधर पड़ा है, ठीक है। और यदि आप 25 का घन ज्ञात करते हैं, 25 को 3 बार गुणा करते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा 15,625 आता है, कितना आता है 15,625 आता है। और 26 का घन आपको पता होना चाहिए कितना होता है 17,576 होता है दोस्तों, कितना होता है 17,576 होता है। तो आपका ये वाला कट जाएगा, आपका जवाब आएगा 15,625 दोस्तों, जवाब कितना आएगा 15,625। यानी हम बात करें दोस्तों 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या की तो आपकी कितनी थी 15,625 थी। आप जवाब देखो कौन सा ऑप्शन में, सहायता के ऑप्शन में आपकी ये नहीं दे रखा है दोस्तों, तो आप थोड़ा लिख लो क्योंकि कई बार ऑप्शन टाइप करते वक्त मिसप्रिंट हो जाती है। 15,625 है, यानी 15,635 दे रखा है ना, इसकी जगह आप करेक्शन कर लो, 15 कितना कर लो 625 कर लो थोड़ा सा, क्योंकि कई बार टाइप करते वक्त मिसप्रिंट हो जाती है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहता 3 वर्ष बाद की बताओ दोस्तों, तो 104 वाला पद ऊपर लिखते 100 वाला नीचे, हमेशा ध्यान रखना। इस तरह का जनसंख्या वाला कोई भी क्वेश्चन हो, यदि आपको आगे बढ़ना है इसका मतलब वृद्धि कमी वाला ऊपर हो 100 वाला नीचे आएगा, ठीक है। और यदि आपको पीछे जाना हो इसका मतलब 100 ऊपर और 104 वाला पद नीचे आएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों 3 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की आपको कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों क्या है, 14 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े एक आयताकार मतलब लोन है, ठीक है दोस्तों। चलिए आप बना देता हूँ थोड़ा समय, आपको एक लोन दे रखा है आयताकार, ठीक है, आयताकार में थोड़ा सा बना देता हूँ, हालांकि थोड़ा सा ही नहीं बना पाऊंगा। तो आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, लंबाई कितनी है 14 और चौड़ाई कितनी है 16। अब दोस्तों आयताकार कोई भी मतलब खेत हो तो उसके मार्ग की बात करें, यानी रास्ते काटने की बात करें, तो रास्ते दो तरह से काटे जा सकते हैं, एक तो अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। आपको यहाँ दे रखा है क्या, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाए चारों ओर। अब चारों ओर इसने लिखा नहीं है अंदर है या बाहर है, तो नहीं लिखा, इसका मतलब बाहर ही होगा, चारों ओर बाहर होगा, ठीक है। रास्ता कहाँ होगा, बाहर होगा। 2 मीटर चौड़ाई रास्ते के, रास्ते की चौड़ाई दोस्तों कितनी है 2 मीटर है, तो 2 मीटर इधर बढ़ेगी और 2 मीटर इधर, और 2 मीटर इधर बढ़ेगी और 2 मीटर इधर, तो रास्ते की चौड़ाई है ये 2 मीटर। तो आपको पता है यदि हम बात करें रास्ते का क्षेत्रफल, तो बड़े वाला आयत दिखाई दे रहा है, उसमें से छोटे वाला घटा देंगे तो आपका क्या आएगा, रास्ते की चौड़ाई आ जाएगी, और अंदर करते तब उसके कम करते, ठीक है। तो 2 इधर और 2 इधर, यानी रास्ते का दुगुना बढ़ जाती है, लंबाई और चौड़ाई जो होती है वो रास्ते का जितनी चौड़ाई होती है उससे दुगुना बढ़ जाता है, यानी 24 में कितना बढ़ेगा 2 × 4, 4 बढ़ेगा 24 में 4 बटा कितना हुआ दोस्तों, आपकी लंबाई तो हो जाएगी 28, और इसमें बढ़ा दो 16 में 4 कितना 20, या आपका मतलब बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल आएगा जो भी आएगा कितना आएगा, आप गुणा करके देख सकते हो आराम से, तो गुणा करके आप देख लो जल्दी से कितना जो भी आएगा, इनको गुणा कर दो। फिर आपको क्या करना है, यदि हम बात करें यानी छोटे वाला आयत, छोटे वाला कितना है 24 × 16, इनको आप गुणा करके अंतर लेना है, वही क्या आएगा दोस्तों, रास्ते का क्षेत्रफल होगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ये गुणा करके, तो आपको पता है ऊपर ये 560 आएगा, ये कितना आएगा दोस्तों 560 आएगा, और नीचे वाला गुणा करोगे देख लो गुणा करके कितना आ रहा है 384 आएगा, कितना आएगा 384 आएगा। तो आपका रास्ते का क्षेत्रफल घटा दो कितना आ रहा है देख लो, अंतर दोनों का है वही क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल 176 क्या आएगा दोस्तों मीटर स्क्वायर आएगा। ये तो दोस्तों वह बाहर की तरफ,
आपको, क्योंकि कहे ना चारों ओर इसका मतलब बाहर की तरफ बात कर रहा है, या तो अगला नाम लिख देगा बाहर या अंदर। बाहर की तरफ इसका मतलब आपका कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी 176 वर्ग मीटर। और यदि यही बात करता कि अंदर की तरफ रास्ता, ये तो दोस्तों बाहर की तरफ हमने निकाल लिया क्योंकि अगले ने कह रखा चारों ओर इसका मतलब बाहर की तरफ ही बात कर रहा है, ठीक है। यदि लैंग्वेज में लिखा होता अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ होता तो आपको पता है, अंदर की तरफ होता आपको पता है ये मान लो कितना है, अभी बता रहा था ये आयत का जो भी है 24 और कितना है 16 है, 24 और कितना है 16 है, तो अंदर की तरफ होता है इसका मतलब क्या हो जाती, ये लंबाई और चौड़ाई यानी रास्ते के डबल कम हो जाती, यानी 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर, यानी चार चार कम हो जाता। तो बड़ा वाला तो होता 24 गुणा 16 और छोटे वाला होता चार चार कम देख कर देते, यानी 20 गुणा 4 इसमें से कम कर दो 16 में से 12। तो इस तरह से आप निकाल सकते थे। चलो मैं आपको करके करके बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो। तो ये तो दोस्तों आपका आएगा 384 आएगा शायद, कितना आएगा दोस्तों 384 आएगा, गुणा करके देख लो 384 आएगा, और ये आएगा 12 × 24 240। अब आप इनका अंतर लो कितना, 4 बचा और 4 और 144 वर्ग मीटर। ये कहता जब अंदर की तरफ कहता तब जवाब आपका ये आता, जबकि अगले ने बाहर की तरफ ही कहा था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ध्यान रखना दोस्तों, यदि अंदर की तरफ कहता तो इस तरह करते। तो इस तरह का एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, आपके गलत नहीं होना चाहिए। अंदर की तरफ कहे तब तो रास्ते का डबल लंबाई चौड़ाई कम करके अंतर ले लो, और यदि कई बार इसका मतलब खर्चा भी ज्ञात करने के लिए बोलता है, तो खर्चा ज्ञात करने के लिए बोले तो आपको जो रुपये की मात्रा देता है 1 मीटर स्क्वायर का, उससे गुणा कर देते। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 आपके स्क्रीन के सामने, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका जवाब सही दे पाते हैं। दोस्तों यदि क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को दिल से लाइक कर दीजिए और हमें इसे सपोर्ट करते रहेंगे। मैं हालांकि आगे भी बड़े बड़े क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता रहूंगा। आपको दे रखा इस श्रेणी का अगला पद क्या होगा दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा 5 5 कम कर रहा है, प्रत्येक पद में 5 कम कर रहा है, इसका मतलब 0 से 5 कम करेगा, -5 आएगा, यानी आपका जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बिल्कुल काफ़ी सारे स्टूडेंट जवाब भी सही दे पा रहे हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश करो। क्या कर रखा है का अगला पद बताओ दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है 4 आगे कितना आया 10 आया, आगे कितना आया 16 आया 22 आया, क्या कर रहा है 6 बढ़ाया, यानी 6 क्या कर रहा है दोस्तों, जोड़ रहा है, 6 जोड़ा, फिर आगे 6 जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा 28 होगा, 28 यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा दोस्तों, 28 यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी 28 वाला ऑप्शन नंबर बी आपका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की आपको कोशिश करती है, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका जवाब सही दे पाते। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 81 और 117 का, यानी आपको बताना है एसीएफ, महत्तम समापवर्तक का मतलब है एसीएफ बताना है दोस्तों। एसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपको जो कॉमन अधिकतम कितना आता है वही आपका क्या होगा, मैस होगा। पहले आप किसका गुणनखंड कर लो, 81 का गुणनखंड कर लो। 81 का आपको पता है पहले किसका भाग जा रहा है, 3 का, कितनी बार गया 27 बार, फिर 3 का दिया कितनी बार गया 9 बार, फिर 3 का दिया कितनी बार गया 3 बार, फिर 3 का 1 बार, ये तो हुआ 81 का। अब आपको किसका करना है, 117 का एवज गुणनखंड कर लो, तो 3 का जा रहा है पहले, 3 का कितनी बार जाएगा, ये गया 3 बार और 9 बार, फिर 3 का जा रहा है 13 बार ना, फिर 13 का गया कितनी बार 1 बार। अब आपको एवज गुणनखंड है उनमें कॉमन कौन कौन है, ये देखो 3 इसमें भी है और इसमें भी 3 लिख लिया हमने, अगला 3 देखो इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब अगला 3 भी लिख लिया, 3 3 कितना हो गया दोस्तों 9 हो गया। अब आप कहोगे अगला तीन देखो कॉमन नहीं है, नहीं तो 13 कॉमन है, तो आपको कॉमन आपको पता है केवल 9 का दोनों में भाग जा रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या 9 है जिनका दोनों में भाग जा रहा है, इसका मतलब आपका मैस है कितना होगा दोस्तों, यानी हम बात करें महत्तम समावर्तक या कहीं एसीएफ कितना आएगा दोस्तों, आपका आएगा 9, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बिल्कुल सही, काफ़ी सारे स्टूडेंट इनका जवाब भी सही दिया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 आपके स्क्रीन के सामने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका भी जवाब सही दे पाते। क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको ए अनुपात बी दे दे और बी अनुपात सी दे दे, तो आपको तीनों अनुपात ज्ञात करना आना चाहिए। किस तरह से ज्ञात करते हैं आपको बताया हुआ है, यदि मेरी वो बोर्ड वाली क्लास आपने देखी है तो आपको ए अनुपात बी कितना दिया दोस्तों, 3 और 4 दिया, कितना दिया 3 और 4 दिया। अब आगे क्या दिया है, बी और सी दिया 6 और 5, कितना दिया 6 और 5 दे दिया। अब आपको पता है जिस जगह खाली होगा उस जगह कौन कब्जा करेगा, पड़ोसी कब्जा करेगा। आपको पता है जिस जगह प्लॉट खाली दिखे उस जगह कौन कब्जा करता है, पड़ोसी। इसका मतलब इसकी जगह ये 4 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ 4 मैंने लिख दिया और इधर खाली प्लॉट है, इसका मतलब ये पास वाला आएगा, यानी यहाँ 6 आएगा। अब आपको क्या करना है, अनुपात वाला रूल है, इसका मतलब गुणा कर दो, 6 3 कितना हो गया 18 हो गया, 6 3 कितना हो गया 18 हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया 24, कितना हो गया दोस्तों 24 हो गया,
और ये कितना हो गया, 20 हो गया। ये दोस्तों आपका अनुपात आ गया किसका, ए बी और सी का अनुपात आ गया। क्या आ गया दोस्तों, ए बी सी का अनुपात आ गया। अब आगे आपको ज्ञात क्या करना है, चलो मैं साइड में थोड़ा बता देता हूँ। आपको ज्ञात करना है ए अनुपात बी प्लस सी, ये ज्ञात करना है दोस्तों, आपको ज्ञात ये करना है। इसका मतलब ए वाला तो आपके पास है कितना, 18, और फिर अनुपात में क्या लिखना है, ये दोनों जोड़ के लिखना है बी और सी को, तो आपको दिखाई दे रहा है कितना होगा, 44 होगा। कितना होगा दोस्तों, 44 होगा। अब कट रहा है उससे काट दो, दो से कट रहा है, इसका मतलब ये 9 बार कटा और ये कितनी बार कटा दोस्तों, 22 बार। आपका जवाब आ गया इतना, 9 अनुपात 22। यदि आपको कहता ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ, तब तो आपका जवाब यही होता, कौन सा होता, ये कट रहा है दो से काट सकते हो, 9, 9, 12 और 10 इस तरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कट रहा है तो ठीक है। तो ये जवाब कहता तब तो ये होता, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना होता, 9, 12 और 10 आता। आपको कहा है ए अनुपात बी प्लस सी, ए का मान कितना आया, 18 आया, और बी और सी को जोड़ दिया 44, फिर कट रहा है 2 से काट दिया 9 बार और 22 बार। आपका जवाब आएगा 9 अनुपात 22, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप आराम से कर सकते हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसका जवाब भी सही दे पा रहे हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की आपको कोशिश करना है। दो संख्याओं का योग 65 और उनका अनुपात देर का 6 और 7 है, तो संख्याएं क्या है दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करो। तो आपको क्या दे रखा है, दो संख्या दिए, मान ली वो संख्या क्या है, ए और बी है, ए और बी है, उनका अनुपात आपको दे दिया 6 और 7। कितना दिया दोस्तों, 6 और 7 दिया, दोनों का योग दे रखा है, दोनों संख्याओं का योग दे रखा है, इसका मतलब अनुपातों का भी योग कर दो, 6 और 7 कितना हो गया, 13। 13 बराबर आपको दोस्तों कितना दिया है, 65। इसका मतलब 1 बराबर कितना आएगा, 65/13, 1 बराबर कितना है, 65/13 यानी 5। कितना आ गया दोस्तों, 5। अब आपको पता है जिसका ज्ञात करना है उससे गुणा कर दो, तो इससे इसको भी 5 से गुणा कर दो और इसको भी 5 से गुणा कर दो, इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 30 और 35 होगी। कितनी होगी दोस्तों, 30 और 35, क्योंकि 6 5 30 और 7 5 35, 30 और 35 वाला ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन और आपका बी राइट होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो दोस्तों, आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा, क्लास अच्छी लग रही होगी दोस्तों, क्लास को दिल से लाइक करते रहिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की आपको कोशिश करना है, क्या 200 व 300 के मध्य कितने नंबर होंगे, कितनी ऐसी संख्या है जो 13 से विभाजित किया जा सकता है। दोस्तों इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, या तो समांतर श्रेणी के माध्यम से, या इस तरह का ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आया हुआ, तो आपको कैसे करना है देखो मैं बता देता हूँ। 200 में 13 का भाग दो, किसमें, 200 में 13 का भाग दो, और फिर 300 में 13 का भाग दो, आप आसानी से कर सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए। तो 13 का भाग देंगे, आपको पता है 13 एकम 13, ठीक है, बचा कितना, 20 में से 13 घटाएंगे यानी 7 70, यानी 13 5 65, फिर 5 बेटा फिर पॉइंट में जाएगा, चलो अपना जवाब 15 है, ठीक है। अब आगे इस 300 में 13 का भाग दो, तो 13 2 26, और फिर बचा 4 4, यानी 13 3 39। अब आपको पता आगे पॉइंट में आएगा, छोड़ दो, आपको पता पूरा जा रहा है वो लिख लो, ठीक है। अब देखो ये 15 से शुरू हुआ और 23 आया, इसका मतलब ये कितना अंतर कितने का, इन दोनों का अंतर कितने का आपको दिखाई दे रहा होगा, 8 का है, अंतर कितने का, 8 का है। इसका मतलब बीच में कितनी संख्या है, 8 ऐसी संख्या है 200 और 300 के मध्य जिनमें हम 13 का भाग दे सकते हैं, यानी आपका जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आप आराम से कर सकते हो, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना आ सकता है। या 200 से 300 के मध्य ऐसी कितनी संख्या है जो 17 से विभाज्य या 13 से विभाज्य, ये क्वेश्चन दोस्तों काफी बार आ चुका है, आपको भी ध्यान रखना है। वही क्वेश्चन मैं बार बार आपको करवा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार आने की संभावना है, जिनका 26 अप्रैल को पेपर है दोस्तों, रेगुलर क्लास लेते रहिएगा, आपके लगभग क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे मैथमेटिक्स के। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की आपको कोशिश करना है। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत बताओ, पहली बात गुणज का मतलब होता है 3 का फाड़ा, 3 का फाड़ा बोलना है आपको, कितनी बार बोलना है, 5 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीरी 9 और 4 तीरी 12 और अगला 15, ये 5 गुणज जो कि 3 के हमने लिख लिए। अब आपको पता है एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना आपको दिखाई दे रहा है अंतर समान है, जब अंतर समान होता है तो हम बात करें बीच वाला क्या होगा, एवरेज होगा, बीच वाला क्या होगा, एवरेज होगा। इसका मतलब आपका 9 क्या होगा दोस्तों, एवरेज होगा यानी औसत होगा, आपका 9 क्या होगा, औसत होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, सी राइट होगा। या कह सकते हैं अंतर समान हो
तो आपको औसत निकालना हो तो पहली और अंतिम संख्या को जोड़ो और बट्टे में दो कर दो। 3 प्लस कितना कर दो, 15 बट्टे 2 कर दो। इस तरह भी कर सकते हैं, आपको पता है 18 बट्टे 2 यानी कितना आएगा दोस्तों, 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा आपका जवाब। इस तरह भी कर सकते हो, क्योंकि कभी भी अंतर समान दिखे तो औसत निकालना हो तो सारी संख्या को औसत पहली और अंतिम संख्या जोड़ के बट्टे में दो कर दो, सारी संख्याओं के औसत के बराबर होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 आपके स्क्रीन के सामने, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की आपको कोशिश करना है। माध्य का दोस्तों, माध्य का मतलब तो होता है औसत, हमेशा ध्यान रखना माध्य का मतलब होता है औसत। और माध्यिका का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रम वाइज रखो, और जो बीच वाला पद है वही क्या होगा, माध्यिका होगा। बीच वाला पद होगा वही दोस्तों क्या होगा, माध्यिका होगा। और बहुलक की बात करें तो जो ज्यादा बार जिसकी पुनरावृत्ति होती है वो दोस्तों बहुलक होते हैं। तो पहले तो इनको आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तो पहले सबसे छोटी संख्या की बात करें दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा कितना है, 25 है। सबसे छोटी संख्या कौन है, 25 है। फिर इसके बाद संख्या क्या है दोस्तों, आपको पता है 25.8 दे रखा है। कितना दे रखा है, 25.8 दे रखा है। फिर इसके बाद बात करिए दोस्तों तो संख्या कौन सी है, 25.8 के बाद आपको दिखाई दे रहा है 27 है। क्या है दोस्तों, 27 है। फिर क्या है दोस्तों, 28 है, आपको दिखाई दे रहा होगा आराम से, आप क्रम वाइज लिख लो पहले। फिर क्या है दोस्तों, 29, 30, 35, 38, 29 आगे 30 आगे 35 और 38, ये संख्या है इतनी। पहले बात कर लेते हैं संख्या कितनी है, संख्या कितनी है दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या। दोस्तों आपकी कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, 8 है। कुल संख्या 8 है। यदि आपकी संख्या होती 7 तब तो 3 इधर और 3 इधर हो जाते, और आपकी संख्या होती मतलब विषम संख्या में संख्या होती है तब तो मतलब बीच वाला पद हम निकाल सकते हैं, मतलब सीधा दिखाई देते हैं। जबकि इनमें आपको पता है यदि 4 4 दोनों तरफ ले लेंगे तब तो बीच में बचेगा नहीं, इसका मतलब दोनों तरफ कितने कितने संख्या लेनी पड़ेगी, 3 3। तो इधर लिया हमने 3 संख्या, कौन सी हुई दोस्तों, ये 3 संख्या ले ली, और इधर 3 संख्या लो, 2 ये और 1 ये हमने क्या ले ली, 3 संख्या ले ली। बीच में कौन बचा है दोस्तों, 28 और 29। कौन बचा है, 28 और 29, दो संख्या बची है। इसका मतलब आपको दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा दोस्तों। यदि हम बात करते संख्या 7 होती तो 3 इधर लेते और 3 इधर, बीच में एक संख्या आती वही क्या होती, आपकी माध्यिका होती। यदि आपकी संख्या बीच में 2 आ जाए, बीच में दोस्तों 2 आ जाए, क्योंकि जब सम संख्या होगी, कुल संख्या सम होगी तो आपको पता है बीच में 2 संख्या आएगी, क्योंकि आपको पता है, तो दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। तो आप इन दोनों को जोड़ करके भाग दोगे, यानी आपको पता है 57 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा दोस्तों, 57 में 2 का भाग दोगे 30.29 यानी सॉरी 28.5 कितना आएगा दोस्तों, 28.5 आएगा। यानी आपका जवाब कौन सा होगा, 28.5 वाला, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। बिल्कुल आराम से दोस्तों कर सकते हो। आपको माध्यिका का कोई भी क्वेश्चन आए, यदि कुल संख्याएं विषम के रूप में हो तब तो आपको पता है दोनों तरफ लेने के बाद बीच में एक संख्या बचेगी वही माध्यिका होगी, और यदि 2 संख्या बीच में बचे इसका मतलब दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना, जैसे यहाँ दोनों को जोड़ा और 28.5 आपका जवाब आ गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की आपको कोशिश करना है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका जवाब सही दे पाते। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसी यहाँ लिखा है किसी धन मूलधन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है, तो उसी मूलधन का उपरोक्त दर व समय में चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। दोस्तों बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। पहले आपको साधारण ब्याज दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों, साधारण ब्याज दे रखा है। इसका मतलब साधारण ब्याज में पहले हम मूलधन ज्ञात कर लेते, क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, मूलधन। मूलधन आप सबको पता हो तो साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज गुणा 100, क्या होता है दोस्तों, ब्याज गुणा 100 बट्टे नीचे क्या होता है, समय इंटू दर, या दर गुणा समय कोई भी लिख सकते हो, दर गुणा समय। तो आप पहले क्या निकाल लो, मूलधन निकालो। चलो हम पहले मूलधन निकाल लेते, तो ब्याज कितना दे रखा है आपको, दे रखा है ब्याज कितना दिया, 1200 रुपये। कितना दिया दोस्तों, 1200 रुपये, गुणा 100 कर दो। दर कितनी है दोस्तों, दर आपको दे रखी है कितनी है देख लो, 5 गुणा समय कितना है, 3। अब इसको ये देखो, 5 3 15 होता है, और 15 अंठी 120 होता है, इसका मतलब 80, और 80 और 2 0 यानी आपका मूलधन कितना आ गया दोस्तों, मूलधन आपका आ गया 8000 रुपये। कितना आया दोस्तों, मूलधन आपका या 8000 रुपये। अब आपको 8000 रुपये का 5% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो आप आराम से निकाल सकते हो। चलिए मैं आपको निकाल कर बता देता हूँ। तो आप पहले 8000 देर का आपको मूलधन, 8000 गुणा कितने प्रतिशत, 5%, कितने वर्ष, 3 वर्ष, इसका मतलब 105/100 कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, 105/100 कितनी बार, 3 बार लिखना है, क्योंकि वर्ष 3 है, 105/100।
इसको यदि आप निकाल करके हल करोगे, काट पीट करके इनको ये काट दिया और ये शून्य काट दिया, और फिर इनको काट करके यदि आप हल करोगे तो बिल्कुल आसान सा हो जाएगा। और आपका जवाब कितना आएगा दोस्तों, आप निकाल सकते हो आराम से, ये निकालोगे तो आपका आएगा जवाब 9261। कितना आएगा दोस्तों, 9261 आएगा। ये दोस्तों आपका आएगा मिश्र धन, क्योंकि इस तरह से हम क्या निकालेंगे, मिश्र धन निकालेंगे। ये आपका दोस्तों आएगा मिश्र धन, और आपको चाहिए ब्याज, तो 8000 रुपये थे और 9261 रुपये हो गए। इसका मतलब ब्याज कितना हुआ दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज कितना हुआ, चक्रवर्ती ब्याज आपका हुआ कितना हुआ, देख लो आप, 1261 रुपये। कितना हुआ, 1261 रुपये आपका क्या हुआ, चक्रवर्ती ब्याज हो गया। आपका जवाब क्या होगा, 1261 वाला कौन सा है, देख लो आप जल्दी से, यानी आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या राइट होगा, सी राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते हो दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कर लोगे आप। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की आपको कोशिश करनी है, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका भी जवाब सही दे पाते। इस तरह क्वेश्चन दोस्तों पीछे मैंने करवाया था अभी, तो आपको पता है एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या बताओ। मैंने अभी बताया था यदि आपको बाद का ज्ञात करना है, इसका मतलब 100 वाला पद नीचे आएगा, कितना 64,000 लिख लिया हमने, कितना लिखा दोस्तों 64,000 गुणा कितना बढ़ रहा है, 110/100 कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, क्योंकि 3 वर्ष है, इसका मतलब 110/100 कितनी बार लिखोगे दोस्तों, 3 बार, समय जितनी बार होता है 3 बार लिखना है, ठीक है, 3 बार है तो 3 बार, 2 वर्ष हो तो 2 बार। अब आपको क्योंकि आपको कहा है 3 वर्ष पश्चात, इसका मतलब बाद का ज्ञात करना है, इसलिए मैंने 110 वाला पद ऊपर लिखा और 100 वाला पद नीचे लिखा है। यदि पहले का ज्ञात करना होता तो 100/110 लिखते, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, दो नंबर क्वेश्चन था ना हमारा उसमें। अब इसको को आप काट पीट करके हल कर लेना दोस्तों, आपका जवाब कितना आएगा। यदि आप इसको काट पीट करके हल करोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, चलो मैं आपको करके बता देता हूँ, थोड़ा 0 काट दिए, ये 2 0 काट दो इससे, और ये 2 0 काट दो इससे। अब आपको पता है 64 × 1331 दोस्तों, कितना 64 × 1331। अब कई दिमाग लगा देते हैं, जल्दी से दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इकाई अंक क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। इकाई अंक दोस्तों क्या आने वाला है, 4 आने वाला है, क्योंकि इकाई अंक आपको पता है इनको गुणा करें 4 आ रहा है। इसका मतलब इकाई अंक जिस ऑप्शन में 4, यदि 2-3 ऑप्शन में, तब तो आपको गुणा करना पड़ेगा, अदरवाइज आप गुणा किए बिना भी कर सकते हैं दोस्तों। आपका इनको गुणा करोगे तो कितना आएगा, इकाई अंक 4 वाला एक ही दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा दोस्तों। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो, यदि कोई क्वेश्चन हो जिनमें मतलब आपको इकाई अंक 1 वाला एक ही दिखे, जैसे 4 वाला यहाँ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कन्फर्म है यही ऑप्शन आपका जवाब होगा। यदि आपकी जनसंख्या पहले कितनी थी, 85,184 थी, ये आप दोस्तों ध्यान कर सकते हो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इस तरह से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 आपके स्क्रीन के सामने, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की आपको कोशिश करना है। एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपये है और विक्रय मूल्य 900 रुपये है, लाभ प्रतिशत बताओ दोस्तों। आपको पता है लाभ और हानि प्रतिशत होती है, वो किस पे निकलती है, क्रय मूल्य पे निकलती है, किस पे निकलती है, क्रय मूल्य पे। आपको पता है लाभ या हानि प्रतिशत निकालना हो कभी भी दोस्तों, तो आपको किस पे निकालनी है, लाभ या हानि प्रतिशत निकलेगी, इतने का लाभ या हानि, ये बट्टे में लिखते हैं क्रय मूल्य, क्या लिखते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य, और गुणा में 100, क्योंकि प्रतिशत में चेंज करने के लिए, ठीक है, ये दोस्तों हमेशा ध्यान रखना। तो आपको पता है कितने का लाभ हुआ है, 150 रुपये का लाभ हुआ है, और कितने पे हुआ है, क्रय मूल्य कितना है, 750 रुपये, इसका मतलब गुणा 100 प्रतिशत में चेंज करने के लिए। चलो काट करके हल कर लो, 15×75, 5 से काट दो 100 को कितनी बार, 20%, लाभ कितने का हुआ दोस्तों, 20% का हुआ, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, काफी सारे स्टूडेंट लाइव चैट में जवाब भी दे रहे हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश करो। एक पुस्तक विक्रेता ने 20 प्रतियां कितने रुपये में, 89 रुपये में खरीदी, तो आगे देर का 36 पुस्तकों की लागत क्या होगी। आपको दे रखा है 20 पुस्तकों का मूल्य कितना दिया दोस्तों, 20 पुस्तकों का मूल्य कितना दे दिया है, 20 पुस्तकों का मूल्य आपको दिए 89 रुपये। तो आप पहले एक का निकालोगे, एक का कितना आएगा, 89/20, 89/20 ये एक का आएगा, और आपको निकालने कितने का, उससे गुणा कर दो, तो आपको निकालना है कितनी पुस्तकों का निकालना है, 36 का, इसका मतलब ऐसे करो और काट दो, जो कट रहा है 4 से काटा 9 बार और ये 4 से काटा 5 बार, अब इनको आप गुणा करो, 81/80 लगी, 8 और 72 और 8 कितना हो गया, 72 और 8 कितना हुआ, 80 ना, 80/5, 80/5 यानी आपका आएगा कितना आएगा, ये 16 बार, फिर कितना आपको पता है 0, फिर 2, यानी आपका आएगा 160.2,
आपका ऑप्शन कौन सा है देख लो, 160.20 यानी आपका ये जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इतने रुपए आपका क्या है, एक वस्तु का मूल्य आपने निकाला, फिर उसको 36 से गुणा कर दो क्योंकि आपको 36 पुस्तकों का मूल्य निकालना है, तो आपका आएगा 160.2। दोस्तों ये थी आज की क्लास, कैसी लगी दोस्तों एक बार लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी है दोस्तों, क्लास को दिल से लाइक करके जाइए और जो भाई चैनल पे नए हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑन कर लो ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और हमारे सोशल मीडिया के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी हमें फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, वहाँ हमें फॉलो करके कोई भी आपको समस्या होती है तो आप हमें मतलब भेज सकते हैं मैसेज के जरिए ताकि हम आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान कर पाए दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे जो खबरी चैनल है उसका भी लिंक दिया गया है, खबरी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ भी आप ऑडियो सुनना चाहते हैं तो वहाँ भी हमें क्या करना है फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लेना तो वहाँ भी आप ऑडियो सुन पाते हैं जिसके माध्यम से जीके साइंस होती है वो भी आप याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी है दोस्तों, क्लास को दिल से लाइक करके जाइए, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए आपकी कितने क्वेश्चन 15 में से राइट हुए वो भी बताना, और साथ में बताना आपको क्लास कैसी लगी। चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।